आज तीन ट्रैक्टरों का कंपटीशन करवा रहे हैं, तीन नंबर लॉक गियर के अंदर तीनों ट्रैक्टर है और ड्राइवर है वो नीचे उतरेंगे, देखते हैं कौन सा ट्रैक्टर है वो आगे जाएगा और कौन सा ट्रैक्टर है वो रेत के टीले पे चढ़ेगा। भाई ये देखो आप, बिल्कुल धीरे धीरे ट्रैक्टर है वो चल रहे हैं, अभी महिंद्रा है वो आगे जा रहा है, बिल्कुल नॉर्मल रेस के अंदर है। भाई बहुत ही गजब का कंपटीशन होने वाला है ये। ये देखो भाई महिंद्रा भी आ रहा है आगे और स्वराज भी आगे आ रहा है और सोनालिका भी आगे आगे आ रहा है, क्योंकि सोनालिका भी इसके अंदर है, थोड़ा पीछे रहता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखो आप, ये आ गया भाई स्वराज, ठीक है ना। ये देखो ये भी धीरे धीरे आ रहा है बिल्कुल आराम से, कौन सा भी ट्रैक्टर अभी तक फंसने का नाम है वो नहीं ले रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए आप, सोनालिका भी आगे आ रहा है, ये देखो आप, सीधा करो थोड़ा स्टीयरिंग सोनालिका का। ये देखो भाई महिंद्रा अभी है ना फंसने लग गया है यहीं पे और सोनालिका है वो चढ़ रहा है अभी आगे भी। स्वराज तो भाई लगभग चढ़ गया आगे, ये देखो भाई स्वराज चढ़ गया, स्वराज चढ़ गया। ये देखो भाई गया भाई आराम से गया ये तो, ठीक है ना। और अभी ये दो रहे हैं भाई इसमें, ये देखो, ये देखो आप सोनालिका आराम से अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, चढ़ रहा है आगे की तरफ, और महिंद्रा है वो अभी ये देखो आप यहीं पे फंस गया भाई, इसे आगे नहीं जा रहा है महिंद्रा। ये देखो आप, उठ जाएगा, उठ जाएगा, कैसे उठ जाएगा नहीं तो फिर। इनकी रेस दिखाता हूँ मैं आपको अभी, ये देखो आप बिल्कुल नॉर्मल रेस है, ये देखो आप ट्रेनिंग सीधा करो इसका। ये नहीं चढ़ेगा, फंस जाएगा, ऊपर चढ़ जाओ, चढ़ जाओ ऊपर चढ़ जाओ। महिंद्रा नहीं चढ़ाया भाई। और ये देखो भाई सोनालिका भी फाइनली चढ़ गया है चढ़ाई पे, और ये महिंद्रा है ये नहीं चढ़ा। ये देखो भाई आप, हाँ एक नंबर मीडियम के अंदर है भाई ये, क्योंकि हाई लो मीडियम ट्रैक्टर है ना ये, वो तीन नंबर लो में थे और ये एक नंबर मीडियम के अंदर है। अगर अगर लो में कर देंगे तो बिल्कुल भी स्पीड नहीं रहेगी इसकी, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड हो जाएगी इसकी। तो भाई ये भी चढ़ गया लेकिन ये महिंद्रा नहीं चढ़ा भाई। तो भाई जो सबसे बेस्ट और जो सबसे पहले चढ़ा है वो है स्वराज 744 XT, ये ट्रैक्टर सबसे पहले चढ़ा है और रेत के टीलों में चढ़ने के लिए वैसे ये सबसे माहिर ट्रैक्टर है। ये देखो 265 यहीं पे खड़ा है भाई ये, ठीक है ना। अभी इसको थोड़ा सा मैं पीछे करके और ट्राई करता हूँ भाई, इसके ऊपर चढ़ता हूँ मैं, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको पीछे करता हूँ, ठीक है। ये देखो थोड़ा रास्ता है ना वो थोड़ा सा सही करता हूँ, ये देखो तीन नंबर लो।
पता ही है चढ़ जाएगा अगली बार मेरे को लगता है। अभी एक नंबर लो लगा दिया भाई मैंने इसके, ये सोनाली का आ गया भाई वापस इसके, अभी एक नंबर लो लगा दिया, एक नंबर लो में देखता हूँ मैं चढ़ता है या नहीं चढ़ता। ये स्वराज भी आ गया भाई, ये देखो ये आ गया भाई, महेंद्र को कर रहे हैं अभी ट्राई। क्या कारण है मदन भाई नहीं चढ़ने का? पता नहीं यार, अभी तो बिल्कुल नया ट्रैक्टर है ये। अच्छा, फिर भी नहीं चढ़ पा रहा यार, लोह के अंदर तो चढ़ना चाहिए ना। अच्छा, फंस गया था ना ये। ये देखो इतने बड़े गड्ढे है ना खोद दिए इसने। अभी एक नंबर लो में है ये, पहले ये तीन नंबर लो में था। अब चढ़ तो जाएगा लेकिन टाइम बहुत लेगा ये। नहीं चढ़ेगा, अब तो चढ़ जाएगा लगता है मेरे को। ये देखो धीरे धीरे आगे जा रहा है। क्या आरपीएम बिल्कुल लो है इसके? ये देखो यहाँ से मैंने छोड़ा था इसको और ये यहाँ तक चला गया है आगे, धीरे 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 आगे सरक रहा है। देखते हैं भाई, एक दो मिनट और ट्राई कर लेते हैं, नहीं तो नहीं चढ़ेगा ये। चढ़ने में वैसे है ना मदन भाई, स्वराज और ये महिंद्रा दोनों बेस्ट है। और सोनालिका के अंदर जो सीरीज आती है ना, ये DI-60RX जो गोल शो वाला, वो बहुत ही बेस्ट ट्रैक्टर है वैसे। ये देखो भाई ये खींच रहे हैं आगे से। ये देखो भाई ये खींच रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं चढ़ा दूंगा ट्रैक्टर को। हाँ खींचो खींचो, चढ़ जाएगा। बैक कर लो भाई। तो भाई ये भी नहीं चढ़ा, तो ये महिंद्रा नहीं चढ़ा है और वो दोनों ट्रैक्टर वो चढ़ गए थे। तो भाई वीडियो कैसी ली कमेंट करके बता सकते हो, और भाई वीडियो पसंद है तो वीधन्यवाद।